नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आरोह भाग एक पुस्तक का ये चैप्टर। ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, भावनाओं से परिपूर्ण चैप्टर है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और पाएंगे कि इस चैप्टर से जुड़ी सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं कवयित्री निर्मला पुतुल की बेहतरीन कविता आओ मिलकर बचाएं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कवयित्री क्या बचाना चाहती हैं, तो शुरू करते हैं। इसमें आपको दो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, एक इस पाठ को पढ़ने से हम लोगों को क्या क्या जानने को मिलेगा और दूसरा आओ मिलकर बचाए अर्थात कवयित्री झारखंड राज्य की संस्कृति को बचाना चाहती है और हम लोग झारखंड राज्य की संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। आपको मैं एक सामान्य सी जानकारी देना चाहूंगा, झारखंड राज्य का जो स्टेट ट्री है वो है साल का पेड़, साल वृक्ष। और साल के पेड़ की खास बात ये होती है कि ये पर्वतों पर नदी के किनारे या जंगलों में बहुत मात्रा में उगता है। अर्थात कवयित्री ये कहना चाहती है यहाँ पर कि झारखंड में जंगलों का प्राबल्य है और जंगल संस्कृति से काफ़ी जुड़ी हुई है, इसीलिए वो जंगलों को भी बचाना चाहती है। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब संस्कृति से खुद को बचा सकेंगे, जी संस्कृति तो अच्छे सेंस में लिया जाता है लेकिन अब संस्कृति अर्थात कुछ बुरे कल्चर भी हम लोग अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, उससे दूर होना सीख जाएंगे। संथाली परंपराओं का ज्ञान होगा, संथाली जो है वो एक प्राचीन जनजाति है, ट्राइब है, उसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। जीवन में जूझ अर्थात कॉप अप वाली सिचुएशन, भोलेपन की आवश्यकता, अक्खड़पन अर्थात कठोरता सभी जरूरी हैं। अपने अस्तित्व की अहमियत जान पाएंगे। आप जिस संस्कृति से जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं आप आजीवन उससे कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप से बंधे रहते हैं। आप चाह कर भी संपूर्ण रूप से अपनी परंपरा, अपनी प्रथा, अपनी संस्कृति से विलग नहीं हो सकते, इसीलिए अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। और अगर आपकी संस्कृति पॉपुलर नहीं है या आपकी संस्कृति धीरे धीरे क्षय हो रही है तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, क्योंकि आपकी संस्कृति आपकी पहचान है। कवयित्री परिचय, इनका जन्म 1972 दुमका झारखंड में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, और ये अभी तक जीवित हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पाठ की पृष्ठभूमि पर। इस कविता में कवयित्री निर्मला पुतुल क्या बताना चाहती हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कविता आओ मिलकर बचाएं कवयित्री निर्मला पुतुल की अपने झारखंड के प्रकृति, संस्कृति, परंपराएं, जीवन शैली के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति है। कवयित्री यह चाहती है कि झारखंड में संथाली परंपरा हमेशा कायम रहे। वह अपने बस्तियों को शहरी आबोहवा और अब संस्कृति से बचाकर झारखंड को पारंपरिक संथाली रूप प्रदान करना चाहती है। वह चाहती है झारखंडियों के जीवन में पुनः गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन लौट आए। वे पहले की तरह धनुष बाण, कुल्हाड़ी को धारण करें। उन्हें वही जंगल की ताजी हवा, नदियों की संगीतात्मकता, पवित्रता, पर्वतीय गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, नाचने गाने के लिए गीत और आंगन, रोने के लिए एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की अनन्य शांति मिलती रहे। वह लोगों में आशा और विश्वास का मंत्र फूंकते हुए कहती है कि अभी भी बहुत कुछ है जिसे हम बचा सकते हैं। तो आते हैं पंक्तियों पर। देखिए, ये आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर की दिशा की तरफ एक राज्य है, उसे हम लोग कहते हैं झारखंड, और ये झारखंड का इंडिपेंडेंट मैप है। अब देखिए यहां पर कहती हैं कवयित्री, आओ मिलकर बचाए अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहरों की आबो हवा से बचाए उसे, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। देखिए कवयित्री कह रही हैं
कि ये उसके अकेले का काम नहीं है कि वो संस्कृति को बजाए रखे, संस्कृति को संरक्षित करके रखे, संस्कृति की सुरक्षा अपने लेवल पर कर ले, बल्कि वो आम लोगों का सपोर्ट, आम लोगों का सहयोग भी चाहती है, समर्थन भी चाहती है। वो कहती है कि आओ हम सभी मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से। यहाँ नंगी जो है ये बहुआयामी अर्थ लेकर यहाँ उपस्थित हुआ है। नंगी होने से कहने का मतलब हुआ वेशभूषा के संदर्भ में ऐसे कपड़ों को धारण करना जिससे अंग छिपता नहीं हो बल्कि अंग का प्रदर्शन होता हो। बस्तियों के सेंस में पेड़ों की भरपूर कटाई और संस्कृति के क्षेत्र में अब संस्कृति का आगमन। तो यहाँ ये अपनी बस्तियों को बचाना चाहती है नंगी होने से, वो पेड़ों के सेंस में, वो संस्कृति के सेंस में और वो वस्त्र के सेंस में है। और कैसे, किस प्रकार की अब संस्कृति से बचाना चाहती है, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। हम लोग अधिकतर ये देखते हैं कि शहर के लोग जो होते हैं वो फैशन के दीवाने होते हैं। फैशन के नाम पर वो फटे जीन्स पहन लेते हैं और कहते हैं ये फैशन है। निर्मला पुतुल इसका सख्त विरोध करती है और कहती है कि हम लोगों को शहरी संस्कृति से, शहरी आबो हवा से अपनी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया कहने का मतलब होता है हड्डियाँ। आप जब देखते हैं कोई हड्डी तो आप ये समझ जाते होंगे कि ये पतन की निशानी है, डेथ की निशानी है, ठीक है। तो ये कहती है कि अभी भी हमारे पास समय है, हम चाहे तो अपनी बस्ती को बचा सकते हैं, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में तब्दील होने से बचा सकते हैं, अर्थात ये पूरा पतन हो जाए, ये अमर्यादित हो जाए, ये कलंकित हो जाए, ये अपसंस्कृति का वरण कर ले, उससे पहले हम लोग इसे बचा सकते हैं। ये हम लोग जो अभी पंक्तियाँ पढ़े उसके कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और शिल्प सौंदर्य की बात करें तो देखिए नंगी होना जो है उसके अनेक अर्थ है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी बस्तियों के सेंस में कि पेड़ों की कटाई, वस्त्र के सेंस में ऐसे वस्त्रों का वरण करना या ऐसे वस्त्र धारण करना जिससे अंग प्रदर्शन होता हो, और अब संस्कृति के आगमन से। हड़िया शब्द बर्बादी का सूचक है, हड़िया अर्थात हड्डियों का समूह या हड्डियों का ढेर, और जहाँ हड्डियों का ढेर होता है वहाँ पर कोई हलचल नहीं होती, वो पतन की निशानी मानी जाती है। भाषा में प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, छंद मुक्त रचना है और संस्कृति को बचाने की प्रबल चाह है। अब आते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन और जुझारूपन भी। कवयित्री कहती हैं कि हम लोग अगर संथाली हैं, झारखंडी हैं, तो हमारे चेहरे पर वो स्वभाव दिखना चाहिए। हम लोग अपने स्वभाव को कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप ना दे दे। वो कहती हैं कि हम लोग सांथाल क्षेत्र के हैं और सांथाल क्षेत्र की जो माटी का रंग है, अर्थात जो स्वाभाविक बोलचाल की भाषा है, जो परंपरा है, जो प्रथा है, वो हमारे आव भाव में दिखनी चाहिए, भाषा में झारखंडीपन होना चाहिए। और हम लोग जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या ठंडी होती जा रही है, जिसका कारण हम लोग दूसरी संस्कृति को आयात कर रहे हैं या दूसरी संस्कृति का वरण कर रहे हैं, इसलिए हमारी दिनचर्या, हमारे प्रतिदिन के काम में जो ठंडापन आ रहा है, शिथिलता आ रही है, धीमापन आ रहा है, अब उसे दूर करना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में पुनः गर्माहट लानी पड़ेगी, हमें अपने मन का हरापन, अर्थात ताजगी आनी चाहिए, शारीरिक श्रम होना चाहिए, हमारे अंदर का भोलापन मरना नहीं चाहिए। हमारे अंदर भोलापन रहे तो साथ ही साथ हमारे अंदर अक्खड़पन, कठोरता भी रहे, हमारे अंदर जुझारूपन भी होना चाहिए, अर्थात संघर्ष करने की अदम्य शक्ति जरूर होनी चाहिए हमारे अंदर। ये देख लीजिए, ये कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, आप इसे जरूर देखें।
अब हम लोग आ जाते हैं शिल्प सौंदर्य पर। तो देखिए, सांथाल एक प्राचीन जनजाति के लोक स्वभाव पर गर्व की भावना। जो संथाल है ये एक प्राचीन जनजाति है और ये अपने पर गर्व की भावना को व्यक्त करते हैं। छंदमुख रचना तो है ही है, सरल शब्दों का प्रयोग हुआ ही है। संस्कृति संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। कवयित्री निर्मला पुतुल यहाँ पर संस्कृति के संरक्षण पर विशेष बल देती हैं। मन का हरापण इसका यहाँ लाक्षणिक प्रयोग है। लाक्षणिक कहने का मतलब हुआ कि मन का हरापन तो नहीं होगा, लेकिन मन के हरेपन का अर्थ होता है कि आप में पुनः ताजगी का संचार हो। माटी का रंग अर्थात प्रकृति के करीब रहने के भाव को भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलाहट। यहाँ पर देखिए, जितनी भी पंक्तियाँ आई हैं सभी पंक्तियों में प्रकृति के उत्कृष्ट चीजों का वर्णन किया गया है। भीतर की आग कहने का मतलब हुआ हमारे अंदर जोश सदैव रहना चाहिए, और ये जो धनुष की डोरी है अर्थात यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं धनुष की डोरी, ये हमें बताती है कि हमें अपना संरक्षण खुद करना है। हमारे संरक्षण के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कोई बाहर नहीं आएगा, और ये धनुष की डोरी जो है केवल पशुओं से अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि अपसंस्कृति से भी हमें अपनी सुरक्षा करनी है। तीर का नुकीलापन इस बात से हमें आश्वस्त कर देता है कि अगर हम लोग इस नुकीले तीर से किसी पर प्रहार करेंगे तो निश्चित घायल हो जाएगा, आहत हो जाएगा या हम पर आक्रमण फिर नहीं करेगा। उसी प्रकार हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो आयातित संस्कृति है या जो इम्पोर्टेड कल्चर है उसे हम लोग दूर करें, उसे हम लोग मार कर भगा दें। कुल्हाड़ी की धार, यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी की धार कहने का मतलब हुआ शारीरिक श्रम, हम लोगों को शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। जंगल की ताजा हवा, अगर हम लोग लगातार पेड़ों की कटाई करेंगे और सारे जंगल लुप्त हो जाएंगे तो ताजी हवा मिलेगी कैसे। नदियों की निर्मलता, नेचर की जो श्रेष्ठ वस्तु मानी जाती है पानी, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, उसकी निर्मलता बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम पर है। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों में शांति होती है और मनुष्य के जीवन में शांति की कितनी आवश्यकता है किसी शहरी व्यक्ति से पूछकर देखिए। गीतों की धुन, आपके मन को ऊर्जा प्रदान करती है गीतों की धुन। मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलाहट, अर्थात हमें अपने पारंपरिक जीवन शैली को अपनाना चाहिए और प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप इसका अध्ययन कीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं शिल्प सौंदर्य पर। तीर धनुष संथाल परगना की पहचान है। दूसरा शिल्प सौंदर्य है, इसमें स्फूर्ति और शारीरिक श्रम पर बल दिया गया है। इसमें छंद मुक्त रचना है, सरल शब्दों का प्रयोग तो हुआ ही है, प्रकृति के निर्मल और पवित्र रूप का वर्णन है, जीवन में सादगी की महत्ता पर जोर दिया गया है और कुल्हाड़ी शारीरिक श्रम का प्रतीक है। अब आते हैं अगली पंक्तियों की ओर। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। यहाँ पर देखिए, जब भी कोई कल्चर होता है तो उस कल्चर में जितने भी एज ग्रुप के लोग होते हैं सभी का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही विशेष महत्व दिया जाए, लेकिन आजकल जब हम लोग शहरी संस्कृति में देखते हैं तो युवा वर्ग को ही ज़्यादा प्रधानता दी जाती है और बाकी वर्ग जो है वो पिछड़े ही रह जाते हैं। इसीलिए कवयित्री निर्मला पुतुल यहाँ कहती है कि हमारी जो संथाली सभ्यता है, संथाली संस्कृति है, वो सभी का ध्यान रखती है। वो नाचने के लिए खुले आंगन की डिमांड करती है, चाहत रखती है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। गाने के लिए गीत, और वो भी अपनी संस्कृति के गीत। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट चाहिए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, अर्थात जीवन में केवल सुख ही नहीं होता, जीवन में दुख भी आता है, और दुख के लिए
थोड़ा सा एकांत चाहिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान चाहिए। आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और बस वो मैदान ही नहीं जानते, शारीरिक कसरत तो वो करते ही नहीं हैं। इसीलिए कवयित्री कहती हैं, बच्चों के लिए मैदान की बहुत आवश्यकता है, पशुओं के लिए हरी हरी घास। पशु भी जो है वो एक तरीके से हमारी ही सेवा में है, इसीलिए उनके लिए भी हरी हरी घास की व्यवस्था करनी है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। जब आदमी अपने जीवन के चौथे परिच्छेद में होता है या बुढ़ापे में होता है, तो उसे शांति बहुत जरूरी महसूस होने लगती है और उसे शांति भी मिलनी चाहिए। लेकिन शहरी इलाकों में या शहरी संस्कृति में इन सब चीज़ों का नितांत अभाव है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, मुट्ठी भर अर्थात थोड़ा सा, एकांत अर्थात अकेलापन। अब देखिए, मुट्ठी भर एकांत मुहावरे का सुंदर प्रयोग यहाँ किया गया है। हरी हरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अर्थात जब एक शब्द पुनः एक बार और आता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। छंद मुक्त पंक्तियाँ तो है ही, सरल शब्दों का प्रयोग तो हुआ ही है। सामान्य स्थितियों की चाहत, नेचर से हम लोगों को जो भी सामान्य स्थिति प्राप्त हो सकती है, कवयित्री उन्हीं की चाहत रखती है। अभिव्यक्ति सुंदर और सरस है। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम पंक्तियों की तरफ, और अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में अब लोगों को ये लगता है कि परिवर्तन संभव नहीं है। अब लोग ये मान बैठे हैं कि परिवर्तन होगा, लेकिन मैं अपना समय इस परिवर्तन में नहीं दूंगा। किसी और को देना है तो दे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। तो इस अविश्वास भरे दौर में अर्थात लोगों को भरोसा कम होने लगा है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि परिवर्तन ही इस संसार का शाश्वत नियम है। परिवर्तन तो होगा ही होगा, शर्त यह है कि परिवर्तन अच्छी दिशा की ओर जा रहा है या परिवर्तन बुरी दिशा की ओर जा रहा है। कवयित्री मान रही है कि वर्तमान स्थिति जो चल रही है उससे सांथाली संस्कृति पूरी तरह लुप्त हो जाएगी, इसीलिए वो पुनः परिवर्तन की मांग कर रही है। और उस दिशा में जिस दिशा में सांथाली संस्कृति, झारखंड की संस्कृति को संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, थोड़ा सा विश्वास। कवयित्री कहती हैं कि मैं जानती हूँ ये ऐसा दौर चल रहा है जहाँ भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विश्वास कीजिए, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने देखिए कि अगर परिवर्तन आता है तो क्या क्या बदलाव आएंगे। आओ मिलकर बचाए, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब हुआ कि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है। संपूर्ण रूप से अभी सांथाली संस्कृति लुप्त नहीं हुई है, हम लोग चाहे तो उसे बचा सकते हैं, और इसके लिए समूह और जन जागरण की आवश्यकता है। ये रहा कठिन शब्दों के अर्थ, आप इसका अध्ययन कीजिए। कवयित्री उम्मीदों से भरी हुई है, भाषा सरल है, छंद मुक्त रचना है, लोगों को संस्कृति के संरक्षण के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप आइए और संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान दीजिए। कवयित्री के विचार वास्तव में उम्दा हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से कुछ प्रश्नों पर। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? देखिए, माटी का रंग अर्थात आप जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, गांव की संस्कृति, उस राज्य की संस्कृति आपके आव भाव व्यवहार में झलकनी चाहिए। और यहाँ पर माटी का रंग प्रयोग करते हुए निर्मला पुतुल सांथाली संस्कृति को अपने डे टू डे लाइफ में या डे टू डे बिहेवियर में दर्शाने की बात कर रही है। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? भले ही आज हम लोग आधुनिकता के दौर में आ गए हैं, लेकिन आप जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो आप अपनी मातृभाषा में जितनी अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं और दूसरी भाषा में आप उस स्तर की बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए कवयित्री कहते हैं कि हमारी भाषा सांथाली है, हमारी भाषा झारखंडी है, हम लोग झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, झारखंड की संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो हम में, हमारी भाषा में झारखंडीपन अवश्य दृष्टिगोचर होना चाहिए।
दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। होलापन अर्थात निष्कपटता, सादगी, ये जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप सादगी में जीवन जिताते हैं, आप निष्कपट करते हैं, तो आपका मन, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क सब शांत रहता है और सुखी रहता है। लेकिन अक्खड़पन की आवश्यकता उस समय महसूस होती है जब आप पर कोई अत्याचार कर रहा है और आप उस समय सादगी या भोलेपन से उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अब आपको अक्खड़ होना पड़ेगा, आपको कठोर होना पड़ेगा, आपको अपने में नम्रता का अभाव लाना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर संस्कृति को बचाने की बात की जा रही है, तो जब तक आप में अक्खड़पन नहीं रहेगा, आप अब संस्कृतियों के प्रति कठोर नहीं होंगे, तब तक आप अपनी सांथाली संस्कृति को बचा नहीं सकते। दूसरा है जुझारूपन। जुझारूपन अर्थात संघर्ष की भावना। उस समय तक संघर्ष करते रहना जब तक कि सफलता आपके कदमों में ना हो, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ये केवल संस्कृति को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप में भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन भी होना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर निर्मला पुतुल इस बात पर जोर दे रही है। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? देखिए, वास्तव में ये तो बुराई नहीं है, लेकिन ये भोलापन या कमी है उस ओर संकेत करती है। आदिवासी लोग जो होते हैं वो बड़े भोले होते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, वो दूसरों की बातों पर जल्दी आ जाते हैं। और शहरी लोग जो होते हैं वो चालाक होते हैं। तो शहरी लोग व्यापार के उद्देश्य से हो या किसी भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इन आदिवासी लोगों को गुमराह कर देते हैं, उन्हें अपने झांसे में ले लेते हैं, उन्हें शीशे में उतार लेते हैं और उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। यही कमी, यही बुराई आदिवासी समाज में है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, से क्या आशय है? कवियत्री निर्मला पुतुल आशावादी है, उम्मीदों से भरी हुई है। वह यह जान चुकी है कि अगर आपको जीवित रहना है तो आप अपने साथ अपनी संस्कृति को भी जीवित रखिए। आप अपनी संस्कृति के बिना, अपनी कल्चर के बिना शायद अधूरे रह जाएंगे, उनका ऐसा मानना है। तो कवियत्री ये कह रही हैं कि भले ही आज हम लोगों पर आधुनिकता का प्रभाव, आधुनिकता का दौर छाया हुआ है, आधुनिकता का रंग चढ़ गया है, लेकिन अभी भी हम लोग उतने प्रभावित नहीं हुए हैं। अगर हम लोग आत्ममंथन करते हैं तो 100% हम लोग अपनी संस्कृति को बचा लेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी संस्कृति पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ का टेक्स्ट और इस पाठ के सॉल्यूशन पा सकते हैं। धन्यवाद।